नमस्कार, ऐसे न्यूज़ का मैं आपका स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमारे बहुत अनुकंपा है महात्माओं की, और मैं हमारे साथ बुद्ध कीर्ति जी हैं। मैं बुद्ध कीर्ति सिर्फ जानना चाहूँगा, बुद्ध कीर्ति जी एक बात बताइए, बुद्ध धर्म के अंदर पंचशील का क्या महत्व होता है वो बताएं आप हमें। जैसे कि भगवान बुद्ध ने पंचशील के बारे में बताया, पहली जो शील है प्राणात पाता बिरमणि शिक्षा पदम समाधानी, मैं प्राणी हिंसा न करने से व्रत रहने की शिक्षा का कर्तव्य करती हूँ। दूसरी शील है अदन्ना दाना बिरमणि शिक्षा पदम समाधानी, मैं चोरी न करने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता व करती हूँ। तीसरी शील है कामेश मिच्छाचारा बिरमणि शिक्षा पदम समाधानी, मैं काम की इच्छा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता व करती हूँ। और चौथी शील है मूसा बाधा बिरमणि शिक्षा पदम समाधानी, मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता व करती हूँ। पाँचवीं शील है सुरा मेर मध्य पमादा ठाना बिरमणि शिक्षा पदम समाधानी, मैं कच्ची पक्की जितनी भी नशे की चीज़ें हैं उनसे व्रत रहने के लिए शिक्षा ग्रहण करता व करती हूँ। इस तरह पांच शीलें हैं। और जैसे मकान की एक नीम होती है, मजबूत नीम बनाने के लिए हम पिलर वगैरह सावल सूत और इस तरह की प्रक्रिया उसके साथ बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, उसी तरह मनुष्य पाँच शील पालन करेगा तो संसार में सबके लिए है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।